हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क को लेकर के है। आइए देखते हैं ओपन ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला है, उसको कैसे यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन ऑफिस कैल्क हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन ऑफिस कैल्क भी एक प्रकार का स्प्रेडशीट ही होता है, ये देख सकते हैं किस तरीके से ये ओपन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको स्प्रेडशीट का ही फॉर्मेट मिलता है। ये कॉलम है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये रो है, ये रो है। ठीक है, तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका स्प्रेडशीट, और ये जो है ओपन ऑफिस कैल्क है। ठीक है, अब हमारे पास कोई डेटा होता है और उस डेटा में से कोई चीजें फेच करानी होती हैं। ठीक है, तो वहां पर फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमें कोई डेटा बनाना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, फिर यहाँ लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो गया नेम एन ए एम ई ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर आएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट 1, ये हो गया सब्जेक्ट 2, और इसको इस तरीके से हम सेलेक्ट करके और यहाँ से ड्रैग करवा लेंगे तो सारे सब्जेक्ट के नाम अलग अलग आते चले जाएंगे। और यही जो है स्प्रेडशीट की खासियत होती है, इसमें इनेबल फिल हैंडल पाया जाता है। आपने देखा कि हमने ड्रैग कर दिया तो सब्जेक्ट 2 के बाद 3 4 5 अपने आप आता चला गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएगा इस तरीके से MARKS। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल मार्क्स। ठीक है, और टोटल मार्क्स को करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे हम इस तरीके से यहाँ पर जा करके, और ये आए इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हमने छोटा भी कर लिया इसे। अब क्या करना है, यहाँ पे एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एवरेज लिखते हैं हम, और एवरेज किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे और मार्क्स किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर ये तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ओपन ऑफिस है तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आपको हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले भी मैं ड्रॉप डाउन के बारे में बात कर चुका हूँ। तो यहाँ डेटा टाइप पे आपको जाना है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेल से चेंज मिलेगा आपको। यहाँ पर दिया गया है वैलिडिटी, तो इस वैलिडिटी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहां से बना लीजिए इसे लिस्ट, और लिस्ट बना करके यहां पर एक एक नाम आप एंटर करते चलिए। जैसे यहां पे राम हो गया, फिर श्याम हो गया, ठीक है, फिर सचिन हो गया, SACHIN, ठीक है, फिर राज हो गया, सुमित हो गया इस तरीके से, फिर अमित हो गया AMIT, और फिर यहां गौरव हो गया। ठीक है, इसे तरीके से और भी नाम आ जाएगा, फातिमा लिख देते एक और नाम, और यहाँ से अगर ओके करेंगे तो ये आपको ड्रॉप डाउन बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ कुंदन भी एक नाम और कर देते हैं, और फिर यहाँ पर ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ चुकी है। अब यहाँ पर वो जो नाम हमने लिए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन। तो हमने एक बनाया ड्रॉप डाउन मेन्यू, देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाई गई है। ठीक है, आसानी के साथ आप भी बना सकते हैं ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बनाना इसे। ठीक है, अब हम इन सारे नामों को ले करके और फिर बात करेंगे किसकी, यहाँ पर जो मार्क्स हैं उनको हम कैसे देंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर आपके पास लिस्ट है तो आप एक एक करके ऐसे मार्क्स फिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे सीखना है तो यहाँ पे लगाएंगे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। ठीक है, फंक्शन लगाएंगे रैंड बिटवीन, और यहाँ पर देखिए टैब काम नहीं करता है। जैसे ही आप टैब लगाएंगे तो ये इस तरीके का हैश एरर करके आ जाएगा, क्योंकि आपने टैब दबा दिया जिसकी वजह से ये एरर आया। तो आपको यहाँ पर टैब नहीं प्रेस करना है, शिफ्ट दबा के 9 वाला अल्फा न्यूमेरिक की प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है बॉटम नंबर फिर टॉप नंबर, तो जैसे यहाँ पे आप बॉटम नंबर यानी सबसे कम वाला नंबर पहले देना है, तो 7 दे दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर 90 दिया सबसे अधिक वाला, टॉप में सबसे अधिक वाला नंबर आएगा। लेकिन जैसे ही आप बंद करके एंटर करेंगे ना तो यहाँ पे भी एरर आएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर आपको कॉमा नहीं देना है। देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा दिया था जो कि हट गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर कॉमा दिया, और अगर एंटर करता हूं तो फिर वही एरर देखने को मिल जाता है। तो आपको ये कॉमा नहीं देना है, यहाँ पे आपको देना है सेमी कॉलन। क्या देना है? सेमी कॉलन देना है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन देकर के एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद यहां से जाइए और इसको ड्रैग करवा लीजिए। ये ड्रैग करवा लिया, और फिर यहाँ से नीचे भी इसे ड्रैग करवा लेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, और पेस्ट स्पेशल पे जाके इसे बना लेंगे नंबर। तो यहाँ पे इन सबसे टिक हटा करके इसे नंबर कर दीजिएगा, और यहाँ से यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम जो है टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो उस सम पे फॉर्मूले से फंक्शन से हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, उसको बंद करके एंटर करेंगे तो ये टोटल हमारा होता हुआ नजर आएगा। डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा, यहाँ से डबल क्लिक करके नीचे आएंगे, या फिर यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरीके से आप। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है तो ये एवरेज का फंक्शन लगाइए,
और यहाँ पर जो है एवरेज का फंक्शन लगाने के बाद ब्रैकेट को कर लेना है ऊपर, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से चलना है तो आपका एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब अगर कोई और भी चीज कैलकुलेट करनी हो जैसे ग्रेड वगैरह तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फंक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि वो फंक्शन है क्या। तो वो फंक्शन का नाम है एच लुकअप। क्या नाम है? एच लुकअप, ठीक है। तो एच लुकअप हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है, कैसे देखिए यहां पर लिखेंगे एच लुकअप, लुक अप, ठीक है, ये आपका फंक्शन है एच लुकअप। और यहां पे कह रहा है सर्च क्राइटेरिया, आप किसको सर्च कर रहे हैं, आप किसको सर्च कर रहे हैं। तो वी लुकअप होता है तो जनरली हम साइड से लेते हैं, ठीक है, लेकिन एच लुकअप होगा तो हम यहां से लेंगे। तो मान लीजिए हम इसी को सर्च कर रहे हैं, और आपको यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है कि आपको सेमी कॉलन ही देना है, कॉमा नहीं देना है। हमको सब्जेक्ट फोर का ही मार्क्स पता करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं। आपको यहाँ पे कॉलन नहीं लगाना है, सेमी कॉलन ही लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉलन दे दिया, अब कह रहा है अरे, तो कौन से अरे की बात कर रहा है ये, तो हमें ये पूरा ही डेटा सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये पूरा डेटा हमको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, फिर यहाँ सेमी कॉलन लगा देना है। अब जैसे ही सेमी कॉलन लगाते हैं तो यहाँ पर हमको रो कौन सा पता करना है, वो इंडेक्स नंबर हमको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम रोल नंबर टू का मार्क्स पता करना चाहते हैं, जो भी हमने सब्जेक्ट फोर सेलेक्ट किया या जो भी सेलेक्ट किया है, तो हम रोल नंबर टू का पता करना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो है रोल नंबर टू के लिए यहां पे काउंट कीजिए आप 1 2 3, यहां देखिए 1 2 3। तो रोल नंबर टू के लिए हमें यहां पे 3 देना है, 3 देकर कॉमा देना है, कॉमा देकर 0 देना है, 0 देकर बंद करके एंटर करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हैश करके आया हुआ है, लेकिन ये जो है इस वजह से हैश आया है क्योंकि हमने कॉमा लगा दिया है। तो आपको कॉमा नहीं सेमीकोलन ही देना है, ये तो मैं बता ही चुका हूं, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 50 आ गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रोल नंबर टू, अब 50 मार्क्स कहाँ पे है, तो सब्जेक्ट फोर में 50 मार्क्स है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। इसका एक और हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए ये मैंने ड्रॉप डाउन बना लिया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम रोल नंबर के ड्रॉप डाउन आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पे टोटल मार्क्स लेके आना है। तो यहाँ पर हम मैच का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू, फिर यहाँ एच लुकअप फंक्शन लगाया हमने, एच लुकअप ये लगा दिया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें टोटल मार्क्स को देखना है। तो टोटल मार्क्स हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ना कि रोल नंबर, ध्यान दीजिएगा, टोटल मार्क्स ही हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करना है, टर्मिनेशन देना है, टर्मिनेशन दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा टेबल एरे, यानी कि ये पूरा ही आपको सेलेक्ट कर जाना है, ऐसे सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके एक एक को फिक्स करिए। फिक्स करना यानी कि इसके पहले डॉलर लगा देना है आपको, ऐसे लगाइए डॉलर यहाँ पे, फिर यहाँ पे डॉलर लगाइए, फिर जो है आई के पहले डॉलर, और फिर 11 के पहले भी आपको डॉलर लगा देना है। तो ये आई के पहले लगाया, फिर 11 के पहले लगाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से जो है डॉलर लग जाएगा, डॉलर ही लगाना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अब जब लग जाए तो फिर यहाँ पे सेमी कॉलन दे दीजिए, और फिर यहाँ लगाइए मैच, एम ए टी सी एच, मैच लगा दिया। अब मैच हमें किसको करना है, जो यहाँ पे रोल नंबर देंगे उसी को हमें तलाशना है। रोल नंबर मिलेगा कहाँ, तो रोल नंबर इसी में कहीं मिल जाएगा हमको, ठीक है। और फिर इसको भी हमें फिक्स करने की जरूरत है, ठीक है, यानी ए को फिक्स करना है तो डॉलर लगा दिया, फिक्स हो गया। टू को भी फिक्स करना है तो डॉलर लगा दिया, फिक्स हो गया। ए को फिर फिक्स करना है तो यहाँ से ए को डॉलर लगा के फिक्स किया, और 11 को फिर फिक्स करना है तो यहाँ से डॉलर लगा के फिक्स किया। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है, अब इस ब्रैकेट को क्लोज करने की बारी है। तो यहाँ से जा करके और यहाँ पे सेमी कॉलन दे करके यहाँ पे 0 दे देंगे, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेशन दे करके एच लुकअप के लिए 0 देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एन ए एक वैल्यू आ रही है। अब ये एन इसलिए आ रही है क्योंकि रोल नंबर कोई सिलेक्टेड नहीं है। तो अगर जैसे ही 5 करते हैं तो रोल नंबर 5 का टोटल मार्क्स 154 है। तो चेक करते हैं क्या 154 आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही है, 154 ही आया हुआ है। तो यहाँ पे चेक करिए, देखिए जरा यहाँ पे 154 टोटल मार्क्स दिखाई दे रहा है। लेकिन तो जैसे ही आप रोल नंबर चेंज करेंगे ना, यहाँ पे देखिए रोल नंबर 9 किया हमने तो यहाँ पे 184 हो गया। तो क्या रोल नंबर 9 का 184 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल वही आया हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल सही आया हुआ है, तो 184 यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आया भी हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि एच लुकअप कैसे यूज करना है, मैच के बिना और मैच के साथ भी, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।